भारतीय खान ब्यूरो देहरादून क्षेत्र के तत्वावधान में 28वां खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत जय सिंह ठाकुर एंड सन्स की बलदवा खान का निरीक्षण किया गया। पहाड़ियों को सुंदर व हरा भरा बनाने के लिए हर साल पौधे लगाए जाते हैं ताकि क्षेत्र में हरियाली नजर आती रहे। यहाँ के आसपास के लोगों को बीमारी से भी राहत मिल सके और ग्रामीणों को ठंडी तथा शुद्ध हवा मिल सके। पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण 11 मार्च से 17 मार्च तक मनाया जाएगा। टीम में खुम्बा राम चौधरी, विवेक शुक्ला, योगेश यादव और के इन पंत मौजूद थे। खान प्रबंधक अशोक छाबड़ा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर खान में आज तक फर्म 70,000 पौधे लगा चुके हैं। हर वर्ष 2,000 से ज्यादा पौधे फर्म द्वारा लगाए जाएंगे। खान पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर खान प्रबंधक प्रयासरत है। पर भारतीय खान ब्यूरो विभाग देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत ये 28वां खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह मनाया गया, जिसमें इस क्षेत्र की और उत्तराखंड की तकरीबन 18 माइनें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 6 माइंस मशीनीकृत हैं और 12 माइंस अर्ध मशीनीकृत हैं। ये सप्ताह 10 मार्च से शुरू होकर 17 मार्च तक संपन्न होगा, जिसमें दो टीमें सभी माइनों पर उन माइनों को पारितोषिक वितरण फाइनल डे फंक्शन में दिया जाएगा। क्या क्या काम करेंगे जी लोग? सर, इसमें 10 अलग अलग कैटेगरी में इंस्पेक्शन हो रहा है माइनों में, जिसमें मुख्यतः माइनों में पौधारोपण, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं उसके बारे में, साइंटिफिक माइनिंग के बारे में, प्लस मशीनरी यूज होती हैं उसके रखरखाव के बारे में, और धूल मिट्टी गर्दा को कैसे उसको कंट्रोल करें इसके बारे में, और स्वच्छता के बारे में मुख्य रूप से ये इंजेक्शन हो रहा है। लोगों को इससे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? इससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण उपलब्ध होगा। प्लांटेशन से जो है वृक्षों से उनके पशुओं के लिए भी कहीं किस्म के चारा वगैरह मिलेगा, और जो भूमि कटाव है पौधारोपण करने से भूमि कटाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस दौरान इस क्षेत्र के 18 खानों का निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें 12 अर्ध मशीनीकृत और 6 मशीनीकृत खाने हैं। निरीक्षण के दौरान 10 विभिन्न वर्गों में अंक दिए जाएंगे, जिसमें मुख्यतः खानों में पौधारोपण, स्वच्छता, वैज्ञानिक ढंग से खनन एवं अपशिष्ट डंप प्रबंधन का निरीक्षण किया जाएगा। पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह इस समय मनाया जा रहा है। ये केंद्र सरकार के भारतीय खान ब्यूरो का एक प्रकल्प है, जो हम लोग हर वर्ष जो है इसको मनाते हैं। इसमें यह प्रयास रहता है कि खनन करने से किसी तरह का अगर पर्यावरण पे कोई विपरीत असर पड़ा है, कोई पेड़ पौधा हटा है या कम हुआ है, तो उसको किसी तरह से जो है रिक्लेम किया जाए, उस एरिया को जो है हरा भरा किया जाए, क्योंकि जो इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक स्थिति है, एक पहाड़ी हरा भरा क्षेत्र है। हालांकि इस बात ये बात सही है कि जहाँ पे पत्थर होता है वहाँ पे इस तरह की हरियाली कम होती है, लेकिन आसपास हरियाली अगर वहाँ पे की जाती है तो बाकी जो जगह है उनके साथ जो है वो उसका एक तारतम्य बन जाता है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने अपनी माइंड पर भी तकरीबन 70-80 हज़ार के करीब पौधे जो है लगाए हैं, और अलग अलग तरह के, ज़्यादातर उसमें जो है वो हम उन्हीं पौधों को हमने प्राथमिकता दिया है जो उस स्थान पे जो है उगते हैं। और प्रयास यही रहता है कि इस क्षेत्र में जो है कुछ इस तरह का किया जाए, जिससे पर्यावरण को अगर खनन करने से कोई क्षति होती है तो उसका जो है भरपाई की जा सके। और खनन पर्यावरण के साथ साथ जो है वो खनिज संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इस सप्ताह का, क्योंकि जो मिनरल है उसको किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। एक कुदरत की देन है जिसको हमको संरक्षित करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी खनिज है उसका प्रयोग करना है। इसलिए खनिज संरक्षण भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है पर्यावरण के साथ।